साढ़िया ट्रेन नहीं रुकी हुई पर कुछ जो रुकी हुई ने वो तहत जी सेंटर की सरकार है मीटिंग हुई है उन्होंने बांब रोड़ दी साड़ी जथेबंदियों की पर जिमें सरकार बांब रोड़ के ए मतलब भी पैसेंजर ट्रेना चला दिए ये नीति है जी सरकार की चाहे सेंटर है चाहे दूसरी सरकार है ये गलत है तो सरकार की जब किसानों ने कहते भी अद्धी रात मीटिंग करने तैयार हाँ तैयार होना चाहिए उन्होंने सारा सिस्टम बेकार हो जूगा रुजगार पहली नहीं सिर्फ तो सिर्फ एक जमीन रुजगार बचे है बिल लिया एक्ट बनाते यह सीधा किसान की जमीन खोह वल पैर धरते है असी वो तो वह उत्थे लोग बड़ा हुंगारा मिल रहा लोग रसद बहुत दे रहे शासन बहुत दे रहे हैं तो फंडा बड़े लोग दिलचस्पी दे रहे हैं तो जानू लोग बहुत तैयार ने देखो ये सरकार की बहानेबाजी है जो मोदी सरकार वोटा पवा रही थी कोई करोना नहीं होया जो मोदी साहब रैलियां करते हैं कोई करोना नहीं है जो किसान के हकों की मांग की गल आ जाती है उदी क्यों करोना होंगे भारत सरकार वालों खेती कानून बनाने तो बाद पंजाब दे विच लगातार जिहड़े संघर्ष किए जा रहे हैं हुण 30 किसान जथेबंदियों वालों दिल्ली जाने की जिहड़ी तैयारी की जा रही है 26-27 तरीक जिहड़ा इन्होंने दिता होया है तो अज कैप्टन साहब की एक मीटिंग भी रखी गई है उस मीटिंग विच की होना क्योंकि रेल ट्रेना इत्थे पंजाब दे विच ना आउण करके इन्होंने एक मीटिंग रखी है गलबात करन नूं साडे नाल किसान मौजूद ने मैं बहादुर सिंह पटाल खुरद जनरल सकत्तर बीके दत्ता बराहां ब्लाक लहरा आपदे चैनल के जरिए मैं दसना चाहना भी जिहड़ा ये रेलवे वाला सिस्टम है सेंटर सरकार नाल भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच गड्डियां नूं चलाउण दा जिहड़ा प्रोसैस है जिहड़ी साडी जथेबंदी है वह तो मतलब जिहड़े अपने प्राइवेट थर्मल ने उन्हां दा रस्ता रोकिया होया साडियां ट्रेनां नहीं रुकी हुई पर कुछ जिहड़ियां रुकिया ने उहदे तहत जिहड़ी सेंटर की सरकार है मीटिंग हुई है उन्होंने बांब रोड़ दी साडी जथेबंदियों की भी तुसीं पहलां इह शर्त मन्नो उस मीटिंग दे विच रेलवे मंत्री दा आउणा दा कोई तुक ही रखदा सीगा वह सिर्फ किसानां नूं थल्ले खुड्डे लैण वास्ते भी भाई जे ट्रेना चलाओगे पैसेंजर चलाओगे तो दूजियां ट्रेना चलावेंगे हालांकि जथेबंदियों ने साफ तौर पर कहा बहुत पढ़िया लिखिया ने बहुत कम करदियां सारियां जथेबंदियां उन्होंने कहा भी जिहड़ी अपनियां जथे अपना ट्रेना ने इन्हां माल गड्डियां नूं चला लो तुसीं दूई असीं मीटिंग सद्दण तैयार हाँ वो मीटिंग तो गल साफ हुंदी है भी वह उसनों भी इजाजत देणगे ऐसी गल नहीं हैगी क्योंकि सारे लोगों का काम है लोगों का मसला है पर जिवें सरकार बांब रोड़ के ए मतलब भी पैसेंजर ट्रेना चला दिए ये नीति है जिहड़ी सरकार की चाहे सेंटर है चाहे दूसरी सरकार है ये गलत है तो सरकार की जब किसानों ने कहते भी अद्धी रात मीटिंग करने तैयार हाँ तैयार होना चाहिए उन्होंने इस जिहड़े कानून बनाए गए हैं तीन इस लैके कि नुकसान जिहड़ा हैगा होना है मजदूरों भी होना है आड़तियों भी होना है की है जिहड़ा ये तीन एक्ट बन गए तीन एक्ट जे आप कह लिए भी घट्टो घट्ट ये 95% लोग जिन्हें फर्ज करो रोटी खाते चाहे वह मुलाजम ने चाहे वह आड़ती ने सैलर वाले ने चाहे मुलाजम ने दुकानदार ने सब्जी बेचने वाले ने फल बेचने वाले ने सारे उत्ते सब तो वड्डी मार तां इह पैणी है भी जिहड़ा इन्हां ने जरूरी वस्तां सोध एक्ट बना लिया 2020 जिहड़ी महंगाई है असमानां नूं चढ़ जूगी इतों के कारपोरेट घराने ने नकली थुड़ पैदा करनी है नकली थुड़ पैदा करके चावल के रेट कणक के रेट सब्जियों के रेट असमानी चढ़ जाने हैं खुराक सब ने खानी है इस करके जिन्हें बंदे खुराक खानी है उन्होंने सारे ते एडा असर पेगा भी उन्होंने जी हालत है बहुत माड़ी होजूगी उरे मतलब भयानक जो सिस्टम है सारा सिस्टम बेकार होजूगा रुजगार पहली नहीं सिर्फ तो सिर्फ एक जमीन रुजगार बचे है यह जिहड़े मतलब बिल लिया एक्ट बनाते यह सीधा किसानों की जमीन खोह वल पैर धरते है इस हिसाब ने एक्ट बनाया बहुत बड़ा भारी नुकसान करेंगे सारे तबकों का साढ़े नाल होर भी किसान मौजूद है क्योंकि 26-27 तरीक नूं तुसीं दिल्ली जाण दा कीता हैगा पिंडां विच किस तरह का जिहड़ा प्रबंध तुहाडे वल्लों असीं पिंड असीं जाके पूरे दिन बीबियां भैणां असीं दिल्ली दे 26-27 लई सुनेहा दे रहे हां ते नौजवानां वल्लों रात नूं मिसाल मार्च कढ के लोगों को वध तो वध दिल्ली लई कह रहे हैं कि असीं 26-27 नूं जाणा है असी वध तो वध उत्थे लोग बड़ा हुंगारा मिल रहा लोग रसद बहुत दे रहे शासन बहुत दे रहे हैं तो फंडा बड़े लोग दिलचस्पी दे रहे हैं तो जाने लोग बहुत तैयार ने इस तरह के प्रबंध लेके जाओगे तुम क्योंकि उत्थे रख थोड़ा धरने से भी बैठना पै सकता पक्के मोर्चे भी किए जा सकते उत्थे साढ़े को पूरा प्रबंध होगा भावें जो सरकार सू दिल्ली तक ना पहुँचा तो भावें आराम साढ़ा कोई धरना कितने रुक जाता है तो साढ़े को महीने तक दरअसल साढ़े को होगा साढ़े को सिलेंडर होने लकड़ा होगा साढ़े को चाह चीनी दुध पत्ती सा सारा पूरा इंतजाम करके लेके जावे कि लोग इतों जाने की तैयारी है भारतीय
पर घट्टो घट्ट साढ़े अपना इधरों खनौली इलाके एरिए 1.5 लाख बंदा जाऊगा पाकिस्तान यूनिक तक ग्रांत वालों की नाम मैं धर्मिंदर सिंह पिछौर ब्लाक प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता ग्रुप हाँ जी थोड़ी जिहड़ी तैयारी है हुण दिल्ली जाण दी भी कीती हुई है परमानेंट क्योंकि उत्थे तुहानूं लगदा नहीं वी हरियाणे दे विच वी बीजेपी सरकार है कि उन्हां ने पहले ही तुहानूं इत्थे रोकण की कोशिश करनी है क्योंकि दिल्ली तक दा पहुंचण दा जिहड़ा है गल ही नहीं करना देखो जी वैसे असीं बीजेपी सरकार नूं जिहड़ी हरियाणा सरकार है हरियाणा सरकार नूं उसने कहा ईमेल भी भेजी हुई है साडी जथेबंदी वल्लों भी सानूं लंघण दित्ता जावे क्योंकि साडी जिहड़ी जणी टकराओ है वो हरियाणा सरकार नाल नहीं हैगा साडा टकराव हैगा मोदी सरकार नाल इस करके उन्होंने नहीं रोकना चाहिदा बाकी जे वो बीजेपी वाली गल ते आउंदे ने भी मेल दा जवाब आया नहीं वो मेल दा अजे तक कोई जवाब नहीं आया हैगा जे वो फिर भी ये चाहुंदे ने भी असीं मोदी हमायती कहाउणे आ तां फिर वो आपदी निबड़नगे असीं ने उत्थे पड़ाव डाल देणे ने क्योंकि जिहड़ा साडा प्रबंध है वो मतलब ट्रालियां कहण नूं ट्रालियां ने वो पूरे पक्के घर बनाए हुए ने मकान बनाए हुए ने गद्दे लगे हुए ने पानी का भी प्रबंध विच है सिलेंडर ने गए लकड़ा का भी प्रबंध है यानी असं पूरे तौर पर आए नहीं है भी असं महीने दो महीने जो हिलन वाले फिर 5-7 महीने लावे करोना का जोड़ा दोबारा फिर शुरू हो गया क्योंकि दिल्ली के काफ़ी लोग जोड़े करोना पॉजिटिव आए जा रहे हैं तो मौत भी बहुत हो रही कि लगता नहीं थोड़ू भी इस का बहाना ला के भी करफ्यू लाया जा सकता है ज मतलब लॉकडाउन लाया जा देखो जी ये सरकार की बहानेबाजी है जो मोदी सरकार वोटा पवा रही थी कोई करोना नहीं होया जदों मोदी साहब रैलियां करते हैं कोई करोना नहीं है जदों किसानों के हकों की मंग की गल आ जाती है उदी क्यों करोना होंगे साढ़े तो कोई करोना नहीं है पंजाब बड़े बड़े कट कर रहे हैं साढ़े कितने कोई करोना ना कोई मरीज नहीं होया साड़ी रिश्तेदारियों के कोई नहीं है ये उन्होंने छोशेबाजी है जो इस गलों के गंभीर ने उन्होंने लगता है बीमारी है वो बैठ के गल कर सकते हैं कानून रद्द कर देन गल खत्म है दिल्ली जाने कैंसल हो जूगा जो जे बनाए कानून ने जोड़े साढ़े खेती खोन वाले ने अज असी 3 पीढ़ियां इकट्ठिया होकर लड़ रहे हैं छोटे बच्चों तो लेकर बजुर्गों तक असी दिल्ली वालों कूच कर रहे हैं ठंड है हड्ड चीरवीं ठंड है जिथे असी पोह माघ दी रातों के घरें आनंद माण सकते हैं पर असी उरे मोर्चे च बैठे हैं ये सरकार ने सोचना भी जो सख्ती तो आँदी है तो असी सख्ती आवेंगे करोना नाल मरना चंगा यानी जमीना खा के ए बेइज्जत होकर मरन नालों करोना नाल मरना बहुत बेहतर है असी तैयार हाँ कैप्टन सरकार कैप्टन साहब मोदी नूं मिलन जा रहे हैं कि लगता है भी मोदी कैप्टन साहब की गल सुन के जां कानून नूं रद्द करन दी कोई गल कीती जाऊ देखो जी कैप्टन साहब किस नीति नाल जा रहे हैं असी नहीं कह सकते क्योंकि कैप्टन साहब भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं मोदी साहब भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं पर हूँ कैप्टन साहब का जानी अधिकार है वो प्रधानमंत्री ने कैप्टन साहब के भी प्रधानमंत्री ने साढ़े भी प्रधानमंत्री ने तो मोदी साहब को मिलना चाहिए खुले दिल नाल गल सुननी चाहिए लोगों गल साफ कैप्टन साहब को भी करनी चाहिए है भी की असी सियासी जिमें रोटियां सेकते हैं 2022 वास्ते कर जाने या किसानी वास्ते जा रहे हैं किसानी वास्ते कोई गंभीर नहीं चाहे वह आम आदमी पार्टी है चाहे कैप्टन साहब पंजाब दे विच बीजेपी ते अकाली दल का गठजोड़ टुट गया हुण बीजेपी ने कहा भी असी जिहड़ा हैगा इत्थे पूरे 117 सीटां चोणां लड़ांगे ते इत्थे दफ्तर हर जिले दे विच खोलिया जाऊगा देखो इह हासोहीणियां गल्लां नेगियां जणी जे जिहड़ा जोड़ तीगा उह तां रह नहीं सकिया इकट्ठे होकर तां लड़न वाली स्थिति नहीं रही दफ्तर खोलण नाल जणी चोणां ना लड़ियां जांदियां ने ना जीतियां जांदियां ने सानूं तां इह लगदा भी तुसीं 117 बंदे ही भाल लो जे 117 बंदे वाल लैंदे ने फिर तो ठीक है दफ्तर खोलने का बहुत दूर दियां गल्लां ने वो हुण ना पिंडां च ना शहरां च कितें बीजेपी सानूं दिस नहीं रही असीं तां इहदे विच बैठण नूं तैयार हैं कोई बीजेपी का नेता होवे असीं उहदे बारगे बैठीए जे लीडर ही नहीं हैगा तो फिर जित्तू कित्थों किस तरह की जी प्लानिंग की जा रही है क्योंकि दिल्ली का प्रोग्राम किया जा रहा है अज्ज पसेंजर ट्रेनों चलाने की गल की जा रही है अज्ज मीटिंग भी रखी गई है कैप्टन साहब देखो जी जी मीटिंग हैगी जथेबंदियां बहुत सियाणिया ने गियां उन्होंने जथेबंदियों की मीटिंग है साढ़े कणियों ट्रेना नहीं रोकिया हुई है पर जथेबंदियों ने विचारना है बहुत विचार नाल गल करनी है जिहड़ा केंद्र सरकार का रवैया है भी पहला पसेंजरों को इजाजत दो फिर असी माल गड्डियां चलावे ठीक नहीं है असी उन्होंने जथेबंदियों के नाल खड़े हैं बहुत सूझवान जथेबंदियां जो उन्होंने फैसला होगा सानू सिर मत्थे है साढ़े कणियों रोकिया कितने हुई नहीं क्योंकि वो तो असं थर्मल घेरे हुए ने असी तो ट्रेना के कितने है नहीं गए ठीक ये तो गल रखी गई है ना भी जे पहला दूजिया ट्रेना चलाई जान पसेंजर असं बाद चलन देवे देखो ये असी सरकार का जो अड़ियल रुपया हंकार भरिया रवैया वो असी निंदा करते हैं क्योंकि सरकारों इस तरीके नहीं होंगे उन जथेबंदियों ने कहा भी तुम पहला माल गड्डिया चलाओ असी पसेंजर भी चला देंगे असं फौरी मीटिंग सद लाँगे वो जानी पहला सरकार माल गड्डिया तो चलावे पर सरकार तो इस गलते आई हुई है भी सोनू नीम दिखाने वाली गल हो रही है भी पता नहीं असी जथेबंदियों नीम दिखा के ऐ करना है देखो ये गल ठीक नहीं होंगी हैगी ये जथेबंदियां संघर्षी जथेबंदियां ने लोगों चो पैदा हुई ने लोगों च रहना इन्होंने ये सन किसान आगू जिन्होंने दसिया कि साढ़े वालों रेलवे ट्रैक बिल्कुल खाली किए गए हैं तो जोड़े माल गड्डिया वो इतने पंजाब चलाईया जान जो आर्थिक स्थिति है वह संभल सके कैमरामैन गुरी नाल अनिल जैन D5 संगरूर D5 चैनल पंजाबी पूरे सबसक्राइब करो बैल आइकन पर क्लिक करो।